हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के बारे में। ठीक है जी, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आता है, जो उसमें हम देखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बेसिक जो उसका होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड होते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट जो मेथड है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मिनिमम मेथड। ठीक है ना? तो दोस्तों, हमने यहाँ क्या किया है, जो हमने मेथड सॉरी जो हमने दो न्यूमेरिकल लिए थे, सम लिए थे अपना पिछले वाला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट सॉल्व करने के लिए, तो इसी में भी हमने वही दोनों न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, वही दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी उन पिछले वाले मेथड से इसकी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है ना? हम दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे लास्ट पे, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल किए थे और जो आज करेंगे। ठीक है ना? आपकी एफिशिएंसी आपको पता चलेगी कि दोनों में बेस्ट कौन सा मेथड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ठीक है ना? इसको दो नामों से जानते हैं, लीस्ट कॉस्ट या फिर मैट्रिक्स मिनिमम। तो दोस्तों, जैसा कि नाम ही बता रहा है, लीस्ट कॉस्ट मीन्स कि जो कम से कम कॉस्ट हो रही, हम सबसे पहले वो वाली हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये आपका रहा क्वेश्चन, ये आपका रहा ओरिजिन, ओरिजिन का आपका गोडाउन समझ लीजिए ए बी सी। ठीक है? और आपको एक्स वाई जेड शॉप के अंदर अपना माल भेजना है। ए गोडाउन से एक्स में भेजोगे तो 6 रुपीज़ लगेंगे, ए से जेड में भेजोगे तो 1 रुपया लगेगा। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है। लीस्ट कॉस्ट इस मैट्रिक्स में देख लेंगे सबसे पहले कौन सी है, कौन सी है, ये एक है। तो एक है तो सबसे पहले हम इसी में ही एलोकेशन करेंगे, जो हमारी होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दोस्तों, हमारे पास कितनी है यहाँ पे, जेड पे डिमांड कितनी है 35 की, तो हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं 50। तो हम इसके अंदर 35 जो इसकी डिमांड है वो पूरी कर देंगे, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, 35 यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अगर 50 में से 35 निकाल दिए तो हमारे पास 15 बच जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो गोडाउन ए है उसने जेड शॉप को 35 यूनिट दे दिए, तो उसके पास अभी कितने रह गए 15, क्योंकि वो 50 दे सकता था। ठीक है? अभी ये 15 किसी और में देखेंगे। तो इसके बाद सबसे एक के बाद सबसे छोटा कौन कम सॉरी सबसे कम कॉस्ट वाला कौन सा है, जो हमारा सेल है जी। देखिए दो था, लेकिन दो तो कैंसिल हो गया। उसके बाद कौन सा है, तीन। अभी हम तीन के अंदर इसकी एलोकेशन करेंगे। यहाँ पे डिमांड कितने की है 20 की, प्रोवाइड कितना करेंगे हम 20 ही, सप्लाई कितने की है 40 की, 20 की डिमांड है तो हम 20 इसको दे देंगे। तो जे वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 20 जीरो हो जाएगा और 40 की जगह 20 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों? अभी हमारे पास ये सेंटर वाला पोर्शन रह गया, इस पे इसके अंदर अब अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि क्यों कितना 95 का, 95 का सबसे पहले जे देख लेंगे, 60 और 20 कितना 80, 80 और 15 95। कहने का मतलब है अपनी जो डिमांड है वो सप्लाई है, दोनों इक्वल इक्वल है। तो हम ऐसे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 15 इसको चाहिए था, 20 इसको चाहिए था, 60 इसको चाहिए था। तो ये हमारा 95 भी जीरो हो गया, ये तीनों भी जीरो हो गया। तो जो हमारी सप्लाई थी और डिमांड थी दोनों इक्वल हो चुकी है, और हमने सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अभी इसका सोल्यूशन लेने के लिए हम फिर वही देखेंगे जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो जो जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 35 को हमने कितना किया एक के साथ, 20 को 30 के साथ, तीन के साथ सॉरी, फिर 20 को 8 के साथ और 60 को 5 के साथ, कितनी हुई 5 ही हुई, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो हम इसका हम जब सम करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, अगर हमने 15 को किया तो हमारा 75, ये 35, 20 को किया तो 60, 20 को 8 से किया तो 160, 60 को 5 से किया तो 300। जब हम इसका सम करके देखेंगे तो हमारा कितना बना, 630। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 15 को 5 से किया 75, 35 को हमने 1 से किया 35, 20 को हमने 3 से किया, 20 को 8 से किया, 60 को हमने
सॉरी गलत हो गया, 15 को हमने 5 से किया, 35 को हमने 1 से, 20 को हमने 3 से किया, 20 को हमने 8 से किया, 60 को हमने 5 से किया। हाँ तो हमारा आंसर क्या आ गया, 630। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला सम हम देखते हैं इसका क्या सलूशन होएगा। ये वाला वो हमारी 3x3 थी मैट्रिक्स थी, ये हमारी 4x3 की मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर सबसे जो लीस्ट वाला सेल है वो कौन सा है, लीस्ट वाला हम देखेंगे जो एक है। ठीक है, सबसे पहले ए गोडाउन में से सप्लाई करेंगे वाई गोडाउन के अंदर, ठीक है, सॉरी वाई शॉप के अंदर। तो जहाँ पे हमारे पास डिमांड कितने की है, 15 की, तो लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 14, क्योंकि जो ए गोडाउन है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 14 यूनिट तक की है। तो हम इसके अंदर 14 फिल करेंगे और इसको हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया, एक बच गया। तो जी हम ये साइड वाले कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर तो और कोई सप्लाई नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारे पास एक ग्राउंड में जो सप्लाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम और देखेंगे अब, और अब हम हमारे पास जो कम से कम है वो कौन सा है। अभी ये देखिए, अभी 2 जे वाला भी है और 2 जे वाला भी है, दोनों है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ज़्यादा देखेंगे कौन सा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, वो किसको कर सकते हैं, सबसे पहले इसको, इसको हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 10। तो हमने इसको 10 प्रोवाइड कर दिया, तो ये अपना कितना बन गया, 0, और इसमें से 10 निकाल दिया तो 5। फिर आप इसको कर दीजिए, इसको चाहिए था 1 तो 1 दे दिया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, जहाँ पे कितना रह गया, 15। तो ये 1 था हमारा, ये भी 0 बन गया। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ पहले हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, फिर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, दोनों को कर दिया 2-2। अभी इनके बाद कौन सा बड़े वाला है तो वो देखेंगे। फिर हमारे पास कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, 4 को हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 5 का, तो चाहिए कितना इसको, 8 का, तो हम इसको 5 का दे देते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा 0 बन गया, तो 8 की जगह हमारा कितना रह गया, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कौन सा 2 बच गया, ये वाला। हमारे पास डिमांड कितने की है, 12 और 3 15 की, सप्लाई कितने की है, 15 की। तो इसका मतलब हमारा जहाँ तक बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी एलोकेशन कर देंगे, इसको 12 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे, तो ये हमारा दोनों 0 बन गया और 15 वाला भी 0 बन गया। ठीक है, हमने पहले इसको दे दिया, फिर इसको दिया 3 को तीसरे नंबर पे, चौथे, 5 पे और 6 पे, ठीक है ना। तो एंड पे इसका फिर सम कर लेंगे, 14x1 14x1 प्लस 12x9 1x2 3x7 10x2 प्लस 5x4 ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बराबर। तो अभी हम इसका सलूशन कर लेंगे, क्या आएगा, 14x1 14 12 108 2 21 20 20। ठीक है, अभी हम इसका सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आता है देखते हैं। 14 108 2 अपना आ गया 185। क्रॉस चेक कर लेते, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल ही वाला ही था इसके अंदर तो, ठीक है ना, 185 आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आया 185। हमने जो पिछले वाला मेथड किया था, कौन सा किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है, उसके अंदर जो हमने पहले वाला सम किया था उसका आंसर आया था 785। तो इसके अंदर जो हमने पहला सम किया वो आया 630। ठीक है, तो हमने जो दूसरा सम किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले के अंदर उसका आंसर आया था 217 और इसका आ रहा है 185। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, ठीक है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट लीस्ट कॉस्ट मेथड है, लीस्ट कॉस्ट या फिर इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमम। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों सम सेम लिए थे, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करें तो हमारा जो कॉस्ट आएगा वो 785 आएगा। अगर हम लीस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमम देखें तो हमारा 630 आएगा कॉस्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है लीस्ट कॉस्ट अगर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना।
इसलिए ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है ना, जो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले मेथड से थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका जो सोल्यूशन आता है ना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये क्या है बेसिकली, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही तो है। इसको हम इनिशियल कह रहे हैं, इसको बेसिक बोल दो, फिजिबल सोल्यूशन IBFS, ठीक है ना। ये भी आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही तो है, ठीक है ना। इनिशियल इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो लीस्ट कॉस्ट वाला है, इसमें आपका जो मेथड के अंदर आप जो हमारा आंसर आता है वो बेस्ट आता है, वो कम आता है एज कम्पेयर जब हम करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के साथ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट मेथड में, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।